ओके सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल सेलिंग। दोस्तों मई जून आने वाला है, इन दिनों तत्काल टिकट बुक करना काफी मुश्किल हो जाएगा आम पब्लिक के लिए। तो यहां पे रेलवे दलालों को रोकने के लिए न्यू तरीके अजमा रहे हैं, जिससे कि डायरेक्ट जो दलाल जो है उसे गिरफ्तार कर सके। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या नए तरीके अजमा रहे हैं जिससे कि जो दलाल बीच में उसे डायरेक्ट गिरफ्तार कर रहे हैं रेलवे के डिपार्टमेंट के लोग। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों यहाँ पे रेलवे नए तरीके आजमा रहे हैं टिकट दलाल को गिरफ्तार करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टिकट दलाल जो है तत्काल टिकट बुक करने के बाद अधिक रेट में उसे सेल करता है, जिसे रोकने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पे कार्रवाई चालू है रेलवे की तरफ से। तो यहाँ पे रेलवे नए तरीके आजमा रहा है, क्योंकि यहाँ पे इससे पहले जो थे रेलवे यहाँ पे आईपी के द्वारा ट्रैक करता थे जो तत्काल टिकट बुक करते थे और इलीगल तरीके से बेचते थे, लेकिन इस टाइम जो है कुछ लोग यहाँ पे आईपी यूज नहीं करते हैं, बीपीएस यूज करते हैं, जिससे कि यहाँ पे रेलवे को ट्रैक करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है। इसके लिए यहाँ पे नए तरीके रेलवे आजमा रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, जिस ट्रेन में तत्काल टिकट बुक हुए है और तत्काल की कोटा है उस बोगी में आरपीएफ डायरेक्ट घुस जा रहे हैं और पैसेंजर से यहाँ पे पूछ रहे हैं, आपने टिकट यानी कि तत्काल में जो टिकट आपने बुक करा रखे हैं आखिर में कहाँ से बुक कराए हैं। तो यहाँ पे अगर डायरेक्ट यानी कि पैसेंजर अगर बता देता है किसी एजेंट का नाम या फिर किसी भी व्यक्ति की जो टिकट बुक करा रखा है, ये वहाँ पे इंक्वायरी होता है तो वो व्यक्ति डायरेक्ट फंस सकता है। तो ये कई सारे रूट में ऐसा हो रहा है, आरपीएफ किसी भी ट्रेन की बोगी में घुस जा रहे हैं जिसमें तत्काल टिकट बुक हुआ है और जिस बोगी में है उन्हें ऑलरेडी पता होता है, क्योंकि चार्ट प्रीपेड होता है तो उसे पता चल जाता है किस बोगी में तत्काल टिकट ज़्यादा बुक हो रखा है और किस बोगी में तत्काल टिकट कम है, उसके पास सारा डिटेल होता है। तो डायरेक्ट जाकर वहाँ पर कस्टमर यानी कि पैसेंजर से पूछ रहे हैं, यदि आप लोग भी तत्काल टिकट बुक करके सेल करते हैं तो बिल्कुल से बंद कर दीजिए, नहीं तो हो सकता है आप लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है यदि आप तत्काल टिकट बुक करके सेल करते हैं। तो यही एक छोटा सा अपडेट है, यदि आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग काफ़ी हद तक बच सकते हैं। लेकिन बचने ऐसे चाहे तो रेलवे कभी किसी भी तरीके से उठा सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी बहुत सावधानी बरत सकते हैं। यदि आप भी किसी भी तरह के तत्काल टिकट बुक करते हैं और यदि आप भी तत्काल टिकट बुक करते हैं और इसे सेल करते हैं तो आप लोग यदि पैसेंजर को दे देते तो समझा देना है, या ये टिकट को अगर पूछे ही जाए उससे कहाँ से बुक कर रखे है तो आप बता देंगे कि हमने दोस्त से बुक कर रखे है या फिर हमारे रिलेशन में यानी रिलेशन में किसी ने टिकट बुक करके दे दी है। अगर इतना बता देते हैं उससे ज़्यादा कुछ भी इंक्वायरी नहीं किया जाएगा। और इसके बाद यदि आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो भाई यहाँ पे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है एक आईडी से, यानी आप तत्काल टिकट जो आईडी बनाते हैं तो कोशिश कीजिए आप लोग पैसेंजर के नाम से, जो पैसेंजर आपको ट्रेवल करता है उसके नाम से ही अकाउंट क्रिएट करके तत्काल टिकट बुक करके उसे दे सकते हैं, जिससे कि आप लोग काफ़ी कम फंसने का चांसेस रहेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं तो आज ना कल आप लोग फंस ही जाएंगे। यदि आप इस तरह के बिजनेस करते हैं तो बिल्कुल से आप बंद कर दीजिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।